हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ कार्तिक के लिए लंच। मतलब उसको जो ले जाना है ना लंच बॉक्स में, तो ये बना रही हूँ मैं। और अभी क्या है ना कि ये जो उसको बहुत दिन से कह रहा था कि मुझे मंचूरियन खाना है, मंचूरियन खाना है, सो मुझे लंच बॉक्स में मंचूरियन दे दीजिए। तो मैं भी सोची कि चलो बहुत दिन से कह रहा है तो मैं भी उसे मंचूरियन दे देती हूँ। तो स्पेशली मैं कैबेज लेके आई हूँ उसके लिए। अभी के टाइम का जो कैबेज है ना, वो मुझे पसंद नहीं आता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे कैबेज नहीं मिलते हैं, लेकिन मुझे अच्छे कैबेज दिख गए थे इसलिए मैं लेके आई हूँ। और ये जो है वो मैं रात में ही सारा इसको कद्दूकस करके रख दी थी फ्रिज में। और बस सुबह उठ करके और सबसे पहला काम था कि ब्रश व्रश करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और ये इसमें मैं थोड़ा सा मैदा डाली हूँ और थोड़ा सा नमक डाली हूँ, और इसका जो सारा पानी था ना वो मैं निचोड़ के निकाल दी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी रहेगा और बहुत ज़्यादा मैदा लगेगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है, इसलिए इसका सारा पानी निकाल दी हूँ मैं। और इस तरीके से छोटे छोटे बॉल बना करके मैं इसको फ्राई कर लूँगी। सुबह का मैं उसको जो लंच देती हूँ ना, तो कुछ ऐसा देती हूँ जो कि जल्दी से बन जाए और ज़्यादा टाइम नहीं लगाए, या फिर अगर कुछ और भी देना रहता है जिसमें टाइम लगता हो तो उसका प्रिपरेशन आधा मैं रात में करके रख लेती हूँ, ताकि सुबह में जो है वो जल्दी से हो जाए, क्योंकि बाबू उठ जाता है तो फिर दिक्कत करता है कि वो उसको टाइम फिर देना पड़ता है। बाबू उठ जाता है तो फिर पीछे पीछे आके किचन में लग जाएगा, और वो थोड़ा सा सुबह सुबह उठ करके ना थोड़ा सा मतलब कि चाहता है कि मेरे पास मुझे टाइम दे, तो इसकी वजह से। तो बस मंचूरियन हम जो है वो फ्राई कर लेंगे। इसमें और भी कोई वेजिटेबल्स नहीं है, मैं शिमला मिर्च लाई थी, लेकिन शिमला मिर्च मैं रात में बहुत ज़्यादा थक गई थी तो इसकी वजह से मैं काटी नहीं शिमला मिर्च, और कैरेट तो था ही नहीं, तो जो था सिर्फ इसको ही मैं बना दूँ कि चलो नेक्स्ट टाइम में। तो दो बैच बने थे, ये जो पत्ता गोभी का मंचूरियन है इसमें दो बैच मैं करके मैं फ्राई कर ले रही हूँ। और इसको फ्राई करने के बाद ना इसमें जो आधा रहेगा वो मैं रख दूँगी, ताकि कल उसको मैं दे सकूं या फिर उसको रात में मैं बना दे सकूं, क्योंकि एक ही साथ अगर इसका ग्रेवी तैयार करके और फिर एक ही साथ रख देंगे तो ख़राब टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये सेकंड बैच है, और ये ना जब अच्छे से फ्राई हो जाता है ना तो हल्का हो जाता है, सारा पानी सूख जाता है और अच्छे से फ्राई हो जाता है तो हल्का हो जाता है। और मैं दूसरी तरफ जो है वो मंचूरियन का कढ़ाई में रख दी हूँ, और इधर मैं बना रही हूँ उसके लिए पराठा। तो अभी का देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, लेकिन फिर भी जो घी है ना वो मैं रखती हूँ ना, तो ऊपर का जो घी है वो क्या होता है कि मेल्ट हुआ रहता है, लेकिन अंदर का घी जो है वो जैसे सबसे नीचे में जो वो ऐसे दानेदार ही रहता है। और ये पता नहीं क्यों, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, टू मच गर्मी है, तो उस हिसाब से घी को मेल्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है, मतलब अंदर में थोड़ा थोड़ा दानेदार रहता ही रहता है। तो यहाँ पे उसके लिए पराठे बनाने के साथ साथ मैं जो है हस्बैंड के लिए भी रोटी बना दूँगी, क्योंकि जनरली हम लोग रोटी ही खाते हैं, बहुत कम होता है ऐसा कि पोहा या फिर ओट्स खाते हैं, तो रोटी सब्जी खा लेते हैं या पराठा हुआ। ये कार्तिक के लिए मैं घी वाले पराठे बनाती हूँ, और हम लोग अपने लिए बनाते हैं तो ऑयली वाइल या फिर रिफाइन वाले पराठे बनाते हैं, पता नहीं क्यों घी वाले तो अच्छे लगते हैं, बट एक से ज़्यादा नहीं खाया जाता है, मतलब वो क्या बताया मैं, क्या बताऊँ मैं। तो दो पराठा वो लेके जाएगा, एक पराठा वो अभी खाएगा नहाने के बाद। और ये सुबह का इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना कि भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ वाली लाइफ जो है वो शुरू हो जाती है। तो देखिए मेरा तीसरा पराठा भी जो है वो सीख गया है, और इसके बाद फिर मैं
तीन चार रोटी बना लूँगी ताकि जो मेरा दोपहर का है वो भी हो जाए, क्योंकि रोटी मैं एक ही टाइम बनाती हूँ। सुबह में मैं बनाती हूँ ना, तो दोपहर में नहीं बनाती हूँ मैं। दोपहर के लिए मैं अपने लिए जो है वो सुबह में ही बना लेती हूँ। और ये पराठा बनाने के बाद अक्सर क्या होता है कि हम रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी जो है वो फूलता नहीं है, तो इस तरीके से जो आटा है ना, आटा से पोंछ देंगे तो वो रोटी जो है वो फूल जाएगा। जितना घी है या रिफाइंड है वो सारा निकल जाता है और रोटी अच्छे से जो है फूल जाता है। तो ये देखिए, ये वाली रोटी भी हमारी फूल गई क्या ऐसे। और वो आटा का फिर मैं रोटी बना लूँगी। तो देखिए, तीन चार रोटी ही बनाना था मुझे, और ये हमारी रोटी भी तैयार हो गई है। और मेरा मंचूरियन भी उस तरफ जो मैं रखी थी कढ़ाई में, तो वो भी हमारा जो है वो मतलब फ्राई हो गया है। तो अब मैं बना रही हूँ इसका ग्रेवी। और इसके लिए मैं जो ये सेजवान का जो होता है ना, चिंग्स का है शायद, वो मंचूरियन मसाला, वो अच्छा लगता है। एक नूर का आता है, नूर वाला जो है ना, हल्का सा मीठा जैसा लगता है, वो मुझे पसंद नहीं है। मेरे घर में किसी को नहीं पसंद है, ये वाली जो है वो पसंद है। तो ये यहाँ पे पानी मैं गर्म होने के लिए चढ़ाई हूँ दूसरे कढ़ाई में, तो उसमें भी सब्जी भी मैं बनाऊँगी हम लोग अपने लिए। और बस ठंडे पानी में घोल करके और इसको गर्म पानी में डाल करके चलाएंगे, तो इससे क्या होगा कि ये ठीक हो जाता है थोड़ी देर में। जैसे अगर उबलता है ना, वैसे वैसे थोड़ा सा और ठीक होने लगता है, और इसका कलर भी जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक जो है वो डालेंगे। और आपको आवाज़ आ रहा होगा, कहीं पानी गिर रहा है लगता है ना, कि वो टंकी भर गया है, और या तो फिर कोई नल चालू करके छोड़ दिया, टंकी भर गया और ऊपर से पानी गिर रहा है, इसलिए इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है। तो बस हमारा मंचूरियन जो है वो ग्रेवी इसका रेडी है। अब इसे मंचूरियन बॉल डालेंगे और थोड़ी देर बाद बंद कर देंगे। और काते को छोड़ के आने के बाद फिर अब बाबू को जो है वो खिलाएंगे। अभी सोया हुआ है तो उसको जगाते जगाते, मतलब मैं जगाई थी उसे 7:30 में मैं जगाई थी, तो उसको जगाई, उसके बाद फिर ब्रश करवाई, उसके बाद वो टॉयलेट किया बाबू, उसके बाद फिर मैं उसे पहुंचाने आई, और उसको बस स्टॉप तक छोड़ने के बाद फिर मैं बाबू को आऊँगी तो फिर खिलाऊँगी उसे। बाबू का खाना जो है वो मैं जिस दिन उसको छोड़ना रहता है ना, उस दिन मैं रात में ही उसके लिए कुछ बना देती हूँ, नहीं तो फिर सुबह उठ के बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो ये सारा चीज़ चल रहा है। देखिए, मंचूरियन हमारा रेडी है। और यहाँ पे जैसे जैसे मैं कर लूँ ना, वैसे वैसे बाबू कर रहा है, मेरा ना कर। उसके लिए सूजी का जो खीर है ना वो बनाई थी रात में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अभी दोपहर के 1:15 हो रहा है, 1:15 हो रहा है। और कार्तिक को छोड़ के आने के बाद इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। और मतलब धूप भी था और बहुत तेज़ बारिश भी शुरू हो गई। उसको छोड़ के आने के बाद फिर मैं हम लोग अपने लिए नाश्ता बनाए, उसके लिए रोटी तो बना लिए थे साथ ही में, तो उसके बाद अपने लिए नाश्ता बनाया, फिर बेडशीट चेंज किया। और अभी बाबू सो रहा है। और पिल्लो कवर में मैं क्या करती हूँ ना, कि ये देखिए इस तरीके से डबल पिल्लो कवर में लगा देती हूँ, क्योंकि ये गंदा नहीं हो, तो इसकी वजह से ये मैं डबल पिल्लो कवर लगाती हूँ, ये पिल्लो कवर सारे में। तो इस तरीके से मैं लगा देती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बाबू खेलता है या फिर कुछ और, तो ये गंदा हो जाता है। इसकी वजह से मैं जो है वो डबल पिल्लो कवर लगा देती हूँ। और अभी बाबू को मैं सुलाई हूँ, अभी बाबू सोया है तो 2 घंटा आराम से सोए गए। और खाना बन गया है, खाना में आज वही सिंपल चावल दाल सब्जी रोटी, यही है खाने में।
और अभी जस्ट मैं एक एप्पल खा के आई हूँ, खाई हूँ, मतलब थोड़ी सी भूख लग रही थी तो लगा कि कुछ खा लूँ, तो एप्पल या तो फिर पापड़, जैसे लिज्जत पापड़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो लिज्जत पापड़ मैं खा लेती हूँ। भूख लगती है तो थोड़ा सा चटपटा रहता है वो, और उसमें जो काली मिर्च रहती है ना, ब्लैक पेपर, तो उसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो लिज्जत पापड़, कई तरह के पापड़ ट्राई किए हैं, बट लिज्जत पापड़ जो है वो फेवरेट पापड़, ओल्ड इज हमेशा वो गोल्ड होता है।